हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, ये जिम्नास्टिक का पार्ट थर्ड वीडियो है। पार्ट वन में मैंने उसके इतिहास, उसकी रूल्स एंड उसके अंक देने की विधियां एंड दोस्तों ओलंपिक में कौन कौन से जिम्नास्टिक के इवेंट शामिल होते हैं एंड इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन में कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से खिलाड़ी हैं, किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, इस सब के बारे में पार्ट वन में बताया गया है। एंड दोस्तों, पार्ट टू में आर्टिस्ट जिम्नास्टिक के कौन कौन से प्रकार होते हैं और महिलाओं पुरुषों के लिए कौन कौन से होते हैं, उनका नाम और उन सब के मेजरमेंट्स के बारे में पार्ट टू में बताया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट वन और पार्ट टू जरूर देख लीजिए। एंड दोस्तों, इस वीडियो में जैसे कि दोस्तों जिम्नास्टिक कई प्रकार का होता है, आर्टिस्ट जिम्नास्टिक, एक्रोबेटिक्स जिम्नास्टिक, एरोबिक्स जिम्नास्टिक एंड रिदमिक जिम्नास्टिक एंड ट्रेम्पोलिन जिम्नास्टिक। दोस्तों, ये सब इंटरनेशनल जिम्नास्टिक डी फेडरेशन यानी FIG के अंतर्गत आता है। एंड दोस्तों, ओलंपिक खेल के अंतर्गत तीन जिम्नास्टिक आते हैं, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, रिदमिक जिम्नास्टिक एंड ट्रेम्पोलिन जिम्नास्टिक। तो दोस्तों, इसमें से आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के बारे में पार्ट टू में मैं पूरा डिटेल में बता चुकी हूँ। आज मैं रिदमिक जिम्नास्टिक, एक्रोबेटिक्स, एरोबिक्स एंड ट्रेम्पोलिन के बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों रिदमिक जिम्नास्टिक से। रिदमिक जिम्नास्टिक महिला और पुरुषों दोनों के लिए होता है दोस्तों। इसके टीम प्रतियोगिता में 5 जिम्नास्ट होते हैं दोस्तों। यह जिम्नास्टिक रिदमिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जिम्नास्टिक बैलेट, ठीक है। रिदमिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जिम्नास्टिक एंड बैलेट, यानी रिदमिक जिम्नास्टिक क्या होता है, रिदमिक जिम्नास्टिक और बैलेट का समन्वय होता है, ठीक है। जहां पर प्रतियोगी एकल यानी सिंगल एंड टीम यानी ग्रुप के रूप में संगीत के साथ विभिन्न प्रकार के अपरेटस यानी कि उपकरण के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इसमें 5 उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, रिबन यानी फीता, रोप यानी रस्सी, क्लब, बाल यानी गेंद, हुप यानी एक छल्ला। इसमें से 4 का चुनाव जिम्नास्ट करता है और किन्हीं 4 के साथ उसे प्रदर्शन करना पड़ता है। अब इन सबके मेजरमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि रिबन यानी फीता, इसी के साथ जिम्नास्ट अपनी कला का प्रदर्शन करता है। इसकी अधिकतम लंबाई 7 मीटर एंड चौड़ाई 4 से 6 मीटर होता है। रिबन एक केन से जुड़ा रहता है, उसकी लंबाई 50 से 60 सेंटीमीटर होता है। रिबन वाले उपकरण में सिर्फ रिबन का भार 35 ग्राम होता है। अब बात करते हैं हुप यानी छल्ले की, जो छल्ले जैसा दिखता है। इसका प्रयोग जिम्नास्ट अपने शरीर के चारों ओर करता है, वह इसे उसे फेंकता हुआ घुमाता है और हुप का भार 300 ग्राम और हुप का व्यास 80 से 90 सेंटीमीटर होता है। यह लकड़ी और सिंथेटिक का बना होता है। एंड तीसरा है क्लब। क्लब इसका आकार बोतल की तरह होता है। इसके द्वारा जिम्नास्ट अपने हाथों व आंखों की कोऑर्डिनेशन एबिलिटी का प्रदर्शन करता है। इसकी लंबाई 40 से 50 सेंटीमीटर होता है। इसका भार 150 ग्राम का होता है। एंड दोस्तों, चौथा है बॉल। बॉल जो है, जिम्नास्ट बॉल को ग्रिप नहीं कर सकता, मगर वह बॉल को अपने शरीर के चारों ओर उछाल व घुमा सकता है। बॉल का भार 400 ग्राम होता है एंड बॉल का व्यास 18 से 20 सेंटीमीटर होता है। यह रबर व मुलायम प्लास्टिक का बना होता है। पांचवा है रोप यानी रस्सी। इसकी लंबाई जिम्नास्ट के हाइट यानी ऊंचाई के अनुसार कम व ज्यादा हो सकता है, ठीक है। परफॉर्मर यानी प्रदर्शन के मानक क्या होता है कि उपरोक्त सभी प्रकार की कलाएं म्यूजिक पर प्रदर्शित की जाती है तथा म्यूजिक का चुनाव जिम्नास्ट स्वयं करता है। दोस्तों, यदि जिम्नास्ट एकल प्रदर्शन करता है तो उसकी टाइमिंग अधिकतम 90 सेकेंड, न्यूनतम 75 सेकेंड। यदि वह अपनी कला का प्रदर्शन टीम के साथ करता है तो अधिकतम समय 150 सेकेंड एंड न्यूनतम समय 135 सेकेंड होता है। इसमें जिम्नास्ट अपरुक्त 5 अपरेटस में यानी उपकरणों में से किन्हीं 4 का प्रयोग कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक की। ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक क्या होता है, यह रिक्रिएशनल एंड कॉम्पिटिटिव जिम्नास्टिक होता है। यानी ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक एक मनोरंजनात्मक और प्रतियोगात्मक जिम्नास्टिक है। यानी ऐसा प्लेटफॉर्म संबंधित उपकरण जो चारों तरफ से स्प्रिंग से जुड़ा रहता है, जिस पर कोई भी व्यक्ति कूदकर उछाल ले सकता है। इसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं को
शामिल किया गया है, बांटा गया है। इसमें कौन कौन से उपकरण आते हैं, इसमें मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला है इंडिविजुअल तथा सिंक्रोनाइज ट्रम्पोलिन, दूसरा डबल मिनी ट्रम्पोलिन, तीसरा ट्रम्पलिन ट्रम्पोलिन। सिंक्रोनाइज ट्रम्पोलिन की लंबाई प्लस चौड़ाई 15x15 मीटर होता है, एंड सिंक्रोनाइज के हॉल की छत की ऊंचाई 10 से 12 मीटर होता है। इसमें दो जिम्नास्ट एक जैसे कसरत करके दिखाते हैं। एंड डबल मिनी ट्रम्पोलिन में लंबाई प्लस चौड़ाई 35x5 मीटर होता है, एंड छत की ऊंचाई 8 से 10 मीटर होता है, ठीक है। एंड ट्रम्पलिन ट्रम्पोलिन में लंबाई प्लस चौड़ाई 45x5 मीटर होता है, एंड हॉल के छत की ऊंचाई 8 से 10 मीटर होता है। दोस्तों हॉल के छत की ऊंचाई की बात करें तो डबल मिनी ट्रम्पोलिन एंड एक्रोबेटिक्स एंड आर्टिस्टिक महिला पुरुष सबके लिए 8 से 10 मीटर होता है छत की ऊंचाई, एंड एरोबिक एंड सिंक्रोनाइज की 10 से 12 मीटर होता है। अब बात करते हैं एक्रोबेटिक्स की। दोस्तों एक्रोबेटिक्स जो होता है ताकत और संतुलन के प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है। इसमें भी प्रदर्शन संगीत पर ही किया जाता है, यह ट्रम्पोलिन के अंतर्गत ही आता है। इसमें अपनी कला का प्रदर्शन 3 चक्रों में किया जाता है, मेंस फेयर, वुमेन्स फेयर एंड मिक्स्ड में भी यह की जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में यह है कि इसमें प्रत्येक चक्र की अवधि 2 मिनट 30 सेकेंड की होती है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों एरोबिक्स जिम्नास्टिक की। एरोबिक जिम्नास्टिक, जैसा कि दोस्तों एरोबिक क्रियाओं में क्या किया जाता है, एरोबिक प्रोग्राम फिटनेस के कार्यक्रम है जो अकेले सिंगल और ग्रुप के साथ भी किया जाता है। या स्टैटिक डायनेमिक स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाया जाता है इससे। एंड दोस्तों इसमें जो जिम्नास्ट होता है, व्यक्ति होता है, अपनी उपरोक्त फिटनेस को वुडन फ्लोर पर करते हैं। वुडन फ्लोर यानी वुड का मतलब लकड़ी होता है, वुडन का मतलब लकड़ी का फर्श यानी लकड़ी के फर्श पर करते हैं। इससे हमारा बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है। एंड दोस्तों एरोबिक जिम्नास्टिक होता क्या है, जो कि एक फिटनेस प्रोग्राम है। यदि जिम्नास्ट अपनी फिटनेस का प्रदर्शन अकेले करता है तो वुडन फ्लोर यानी लकड़ी के फर्श की माप जो है वह 7x7 मीटर होता है। एंड जब पेयर यानी जोड़ों में एंड टीम यानी ग्रुप में एंड ट्रायोज स्पर्धा के लिए प्रदर्शन क्षेत्र की माप जो होती है वह 10x10 मीटर होती है। एंड प्रदर्शन क्षेत्र के चारों तरफ बॉर्डर तथा सेफ्टी बॉर्डर क्रमशः 1x1 मीटर का होता है। प्रदर्शन का समय जो है 150 मिनट का होता है, प्रदर्शन का समय 150 सेकेंड का होता है। यदि जिम्नास्ट किसी भी कला का प्रदर्शन करते समय किसी कोच अथवा दूसरे खिलाड़ी की मदद लेता है तो उसे दंड स्वरूप 0.4 अंक काट लिए जाते हैं। एंड दोस्तों अगर कोई जिम्नास्ट काल करने के 20 सेकेंड के अंतर्गत प्रदर्शन नहीं करता है तो कितने अंक काटे जाते हैं, 0.5 अंक। अगर कोई खिलाड़ी जिम्नास्ट काल के 60 सेकेंड के अंदर, काल यानी कि बुलाने के 60 सेकेंड के अंदर प्रदर्शन क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता तो निर्णय क्या होता है, तो वॉक ओवर दे दिया जाता है। दोस्तों इसमें भी संगीत का प्रयोग किया जाता है, गलत संगीत बज जाने पर दोबारा मौका दिया जाता है। एंड इसमें होता है ब्लैक डिलिमिटेशन स्ट्रिप, यानी यह क्या होता है, प्रदर्शन क्षेत्र के चारों तरफ 5 सेंटीमीटर चौड़ी काली पट्टी लाइन को ब्लैक डिलिमिटेशन स्ट्रिप बोला जाता है। एंड दोस्तों ट्रायोज स्पर्धा में कितने जिम्नास्टिक होते हैं, तो इसमें 2 पुरुष 1 महिला एंड 2 महिला 1 पुरुष हो सकते हैं। दोस्तों इसमें सहयोगी खिलाड़ी को उछाला नहीं जाता है। एरोबिक जिम्नास्टिक को सबसे अधिक चलायमान तथा ऊर्जावान खेल माना जाता है। तो दोस्तों ये आपका जिम्नास्टिक के से रिलेटेड सभी टॉपिक क्लियर हो जाते हैं 3 पार्ट में। और इससे पहले दोस्तों मैं 1 पार्ट और बना चुकी हूँ बहुत पहले, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें जिम्नास्टिक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, बुक्स कौन कौन से लिखे हैं और कहाँ से शुरू हुआ, सब हिस्ट्री उसमें बताया गया है, उसको देख सकते हैं। ये जो 3 पार्ट बनाया गया है इसको मिला करके जिम्नास्टिक से रिलेटेड सभी टॉपिक क्लियर हो गए हैं। अब जिम्नास्टिक से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। तो दोस्तों आई होप कि सभी पार्ट आपको समझ में आए होंगे।
एंड दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और जिस भी टॉपिक पर आपको डाउट हो, वीडियो चाहिए, उस टॉपिक को मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसका वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।